अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जनाब आज हम आए हैं गुल प्लाज़ा, तो ये शॉपिंग सेंटर है बेसमेंट में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हम बेसमेंट में जा रहे हैं और आज हम यहाँ आए हैं अबाया शॉपिंग के हवाले से। तो बेसमेंट में आपको जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। इवन हर चीज़ की ही यहाँ पर शॉप है, ज्वेलरी की, लेडीज़ गारमेंट्स की, बच्चों के गारमेंट्स, शूज़ एंड न्यू बॉर्न बेबी का सारा सामान यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। मेकअप, ज्वेलरी, होम डेकोर, एवरीथिंग यहाँ आपको एक ही शॉपिंग सेंटर में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी वैरायटी एंड रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। जैसे कि ये शूज़ आप देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वॉशेबल थे एंड इनके प्राइस 1000 थे। और यहाँ पर जो है लेडीज़ सूट्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी और बच्चों के गारमेंट्स भी बहुत बहुत अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सारा न्यू बॉर्न बेबी का सामान रखा हुआ है और ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं 500 में नॉट बैड के इतनी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी स्लीपर्स हैं ये। और जनाब अगर आपको शौक़ है घर सजाने का तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर होम डेकोर के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं, क्योंकि गुल प्लाज़ा मशहूर है होम डेकोर। और यहाँ बेड शीट्स एंड ब्लैंकेट ऑल वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है और सारी इम्पॉर्टेंट भी होती है एंड लोकल भी होती है। तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं शॉपिंग करने। इसके अपर फ्लोर पर जो है मार्केट, वो भी बहुत अच्छी मार्केट है। लेकिन मैंने आपको बताया है दोनों में फ़र्क, ये बेसमेंट है, वो अपर फ्लोर है और वो एयर कंडीशन मार्केट नहीं है, और ये फुली एयर कंडीशन मार्केट है। तो जनाब चलते हैं अब आगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत वैरायटी मिल जाती है, हर चीज़ की बहुत वैरायटी है। ज्वेलरी है उसकी बहुत वैरायटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक शॉप है शूज़ की, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको शूज़ की शॉप्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, मेकअप की, एसेसरीज़, एवरीथिंग यहाँ आपको कलेक्शन बहुत अच्छी मिल जाती है और उसमें वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो जनाब बट हम आए हैं आज यहाँ अबाया शॉपिंग के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर अबाय की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको सिंपल अबाया चाहिए, एम्ब्रॉयडरी चाहिए, हर तरह का यहाँ आपको अबाया मिल जाता है। स्टॉलर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सारी अबाया की एसेसरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मुझे कभी भी अबाया लेना होता है या मेरी फैमिली में अबाया लेते हैं, तो हम लोग यहीं गुल प्लाज़ा से अबाया लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पसंद आ जाता है अबाया, और जितनी हमारी रेंज होती है उस हिसाब से भी हमें अबाया अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये वैरायटी है। प्राइस स्टार्ट होते हैं जनाब यहाँ 4000 से लेकर 10000, 15000, तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा, कि अगर उसका फैब्रिक अच्छा है, उस पर एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके प्राइस भी फिर ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें पसंद है सिंपल अबाया, तो ये मुझे अबाया अच्छा लगा था। और आप ये देख सकते हैं ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुई भी है इस पर, और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को बहुत हैवी पसंद है, मुझे ये अबाया बहुत अच्छा लगा था और इसके प्राइस थे 4500 में ये था, और इस पर जो वर्क हुआ हुआ था वो स्टोन वर्क एंड जरी वर्क हुआ हुआ था, और ये मैक्सी स्टाइल में अबाया था। और ये आप देख सकते हैं इसके प्राइस थे 10000, जो कि इनका कहना था ये इम्पॉर्टेंट अबाया है। और ये जनाब इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था और इस पर एम्ब्रॉयडरी वाकई बहुत अच्छी हुई थी। और ये ओपन स्टाइल अबाया आप देख सकते हैं, इस पर कट दाने का एंड मोती का वर्क हुआ हुआ है। और ये अबाय उनके लिए होते हैं जो न्यूली मैरिड होती हैं या जिनको जहेज में रखने होते हैं, बरी में रखने होते हैं, तो उनके लिए अबाय बहुत अच्छे होते हैं। तो जनाब मुझे तो इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी लगी थी और मैंने यहाँ से परचेज़ भी किया था अबाया।
तो आप लोग ज़रूर, अगर अबाय की आपको शॉपिंग करनी है और अबाय के अलावा भी अगर आपको होम डेकोर एंड और आपने देखी है शॉप कितनी अच्छी है यहाँ पे, तो आप यहाँ ज़रूर शॉपिंग के लिए विज़िट कीजिएगा। और देख सकते हैं आप, हर वैरायटी आपको हर तरह का यहाँ पर अबाया मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।